मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं। उनका नाम है नेजेल और फियोना, जो एक क्रूज शिप में जा रहे हैं। और इनकी शादी हुई है, लेकिन इनकी रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। और इनकी रिश्ते को ठीक करने के लिए वो दोनों वेकेशन पे इंडिया जा रहे हैं। जब फियोना बाथरूम जाती है, तभी उसकी मुलाकात फ्रांस की एक लड़की से होती है, जो बहुत रो रही थी, साथ ही दिखने में बीमार भी लग रही थी। तब नेजेल और फियोना ने उस लड़की की मदद करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं, शाम को खाना खाने के बाद फियोना सोने के लिए चली जाती है, लेकिन नाइजेल को नींद नहीं आती है, इसलिए वह क्रूज बार में जाता है, जहां उसने एक लड़की को देखता है जो बार में नाच रही है। थोड़ी देर बाद वह लड़की नाइजेल के पास आकर बैठती है। तब पता चलता है कि ये वही लड़की है जो नाइजेल और फियोना ने मदद की थी, और उसका नाम मिमी है। यहाँ मिमी नाइजेल से बात करने लगती है और उनको सिड्यूस करने की कोशिश भी करती है, लेकिन नाइजेल से कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो वह वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद रात में जब नाइजेल चांद को देख रहा होता है, तब एक आदमी व्हील चेयर में उसके पास आता है, और उसका नाम ऑस्कर है। वह एक फेल्ड राइटर है, और वह आगे बताता है कि मिमी एक खतरनाक लड़की है और आप उनसे दूर रहना बेहतर है, क्योंकि उसने मेरी हालत ऐसा कर दी है। लेकिन नाइजेल समझ नहीं पाया कि वे क्या कहना चाहता है, और ऑस्कर आगे बताता है कि मैं मिमी का पति हूं, और आगे वह अपने बारे में बताने के लिए नाइजेल को अपने कमरे में ले जाता है और कहता है कि ऑस्कर और मिमी पति पत्नी है, लेकिन दोनों अलग अलग कमरों में रहते हैं। अब यहाँ ऑस्कर नाइजेल को अपने बारे में बताना शुरू करता है। वह कहता है कि वह पेरिस में रहता था, जब एक दिन वह बस में सफर कर रहा था, तो पहली बार उसने मिमी को देखा। वह उसी बस में सफर कर रही थी और ऑस्कर को मिमी बहुत पसंद आई थी, और वह एक होटल में वेटर के तौर पर काम कर रही थी, और वह मिमी से बात चाहता था, और वह बाद में बड़ी मुश्किल से मिमी से मिलते हैं, और मिमी भी ऑस्कर को पहचानती हैं, और वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। तब ऑस्कर मिमी से डेट पर आने का रिक्वेस्ट करता है, और मिमी भी डेट पर जाने के लिए सहमत हैं, और बाद में दोनों डेट पर जाते हैं। दोनों खूब बातें करते हैं, और मिमी को डांसर बनने शौक है, लेकिन उसकी पैसा नहीं है, इसलिए वह वेटर का काम कर रही हैं। और दोनों एक दूसरे में इस कदर खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि रात कब बीत जाती है। और ऑस्कर उनसे बताता है कि मैंने आपको हर जगह ढूंढ रहा था, क्या आपने सोचा कि तुम मुझसे दोबारा मिल सकोगे। तभी मिमी अपने पर्स से वह टिकट निकालती हैं, जो ऑस्कर ने उन्हें दिया था। तब ऑस्कर को पता चलता है कि मिमी को भी ऑस्कर से प्यार हुआ है और उसे पसंद करने लगी है। बाद में दोनों ऑस्कर के अपार्टमेंट में जाते हैं, और उस रात दोनों इंटीमेट होते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। और ऑस्कर आगे कहते हैं कि वह बहुत लकी था, तो उसे इतनी खूबसूरत लड़की मिली थी। और आगे कहता है, उसके बाद दोनों उस घर में 3 दिन तक रहे, और वहां से उनका रिश्ता शुरू हुआ था। लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए इतने प्यासे थे कि उनके दिल नहीं भर रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी डिजायर्स बढ़ती गई। जब ऑस्कर ने इन सभी बातों को इतनी विस्तार से बताना शुरू किया कि नाइजेल अनकंफर्ट महसूस करने लगे, और वहां से वह चला जाता है। अब अगली सुबह नाइजेल ने फियोना को नाश्ता खाते वक्त ये सब बताता है। तभी ऑस्कर और मिमी वह आते हैं, और थोड़ी देर बाद मिमी वहां से चली जाती है। तब ऑस्कर फियोना को बताता है कि मैं तुम्हारे पति से कुछ बात करना चाहता हूं, और पूछता है कि क्या आप उसे 1 घंटे के लिए मेरे पास छोड़ सकते हैं। तो फियोना सहमत होती है, और बाद में ऑस्कर नाइजेल को अपने कमरे में ले जाता है और फिर से अपनी कहानी बताना शुरू करता है। और वह कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए थे, जब से हम मिले थे तब से हमारी पूरी जिंदगी बदल गई थी, और वह सोचता था कि वो हमेशा के लिए साथ में रहेंगे। और ऑस्कर जो कुछ भी लिखते थे, वह मिमी को भी बहुत पसंद आती थी, और इस तरह दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन दोनों एक बार में गए थे, जहां मिमी की दोस्त भी आई थी, और वह ऑस्कर से बात कर रही थी, लेकिन मिमी को लगा कि वह उसके साथ फ्लिटिंग कर रहा है, तो वह ऑस्कर को जेलस महसूस कराने के लिए एक लड़के के साथ डांस करने लगती है। जब ये सारा ऑस्कर देखता है, तो उसे बुरा लगता है, और वह मिमी को छोड़कर घर चला जाता है। बाद में जब मिमी घर आती है, तब ऑस्कर मिमी से चीर जाता है। तब मिमी कहती है कि तुमने ये सब शुरू किया, फिर भी वह ऑस्कर से सॉरी कहती है, और उससे लिपटकर रोने लगती है, और ये सब शुरू होते ही खत्म हो जाता है, और दोनों फिर से साथ रहने लगते हैं। ये सब बातें ऑस्कर ने नाइजेल को बता रहे थे। तब मिमी वह आती है, तो नाइजेल वहां से चला जाता है। दूसरी ओर फियोना को नाइजेल और मिमी के बारे में शक आना शुरू होती है,
और जब नाइजेल अकेला होता है तब मिमी उससे मिलती है और बताती है कि ऑस्कर की बात मत मानो और वह ज्यादा झूठ बोलता है और उनसे अकेले मिलने के लिए बुलाती है और यहाँ से नाइजेल भी उनसे और अट्रैक्ट होना शुरू करता है, इसलिए वह मिलने जाता है लेकिन वहाँ बजाय ऑस्कर होता है और ये देखकर नाइजेल को गुस्सा आता है। तब ऑस्कर बताता है कि मिमी भी यही चाहती है और आगे कहता है कि आप पूरी कहानी सुनी है और इससे आप मिमी के बारे में अच्छे तरीके से जान पाएंगे। तब नाइजेल कहता है आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तब हमें पता चलता है कि जाहिर तौर पर ऑस्कर लकवाग्रस्त है और इसलिए वह मिमी की फिजिकल नीड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें भी यही डर है कि इसकी वजह से मिमी किसी दिन उसे छोड़ देगी। और ऑस्कर आगे कहता है कि मुझे उनके लिए एक सही इंसान की तलाश करना है। और फिर वह अपनी कहानी आगे बढ़ाता है और कहता है एक दिन वह मिमी को लेकर एक पब्लिशर से मिलने गया थे और जहां मिमी की वजह से ड्रिंक इसके पब्लिशर पर गिरती है और वह गुस्सा हो जाती है। इस वजह से उनकी मीटिंग वहीं कैंसिल हो जाती है और वह अभी तक एक भी किताब प्रकाशित नहीं की था। जब वह दोनों घर आते हैं तो ओकर मिमी पर गुस्सा हो जाता है और उसे गाली देता है और उसे कहता है कि दरअसल तूने मेरा काम बर्बाद कर रही हो। और गुस्से में वो मिमी से कहीं चला जाता है और मिमी भी ऑस्कर की इस तरह की बातों से आहत हैं और वह अपना सामान पैक करके जाने लगती हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि ऑस्कर उसे रोकेगा लेकिन वह उसे रोक नहीं पाया और वह बस चाहता था कि मिमी उसे छोड़ दे। लेकिन मिमी वापस आती है, वह ऑस्कर से चिपक जाती है और रोने लगती है। उन्होंने उस गलती के लिए माफी भी मांगती है। वह कहती है कि आई लव यू सो मच, डोंट लेट मी गो लाइक दैट। और ऑस्कर ने उन्हें माफ करता है और अब उसे इस रिश्ते में घुटन महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसके सिवा बाकी सब मौज कर रहे हैं जबकि वह इन सबको मिस कर रहा है। धीरे धीरे अब उनका रिश्ता फीका पड़ने लगा था। मिमी को ऑस्कर बहुत पसंद था, वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी लेकिन ऑस्कर मिमी को छोड़ना चाहता था। एक दिन दोनों के बीच बहस हो जाती है और ऑस्कर ने मिमी को पीटता भी है जिससे वह बेहोश हो जाती है। लेकिन जब उसे होश आती है तो वह हंसती है और ऑस्कर को माफ कर देती है। और जब भी इन दोनों के बीच कुछ गलत होता है तो मिमी ऑस्कर से आई लव यू कहती हैं। जब भी इन दोनों के बीच झगड़ा होती है तब मिमी की गलती नहीं होने के बाद भी वह ऑस्कर से सॉरी कहती थी और वह नहीं चाहती थी कि ऑस्कर उन्हें छोड़ दे। और उस रात ऑस्कर ने मिमी को समझाया कि हमारा रिश्ता कभी न कभी टूटने वाला है और हम दोनों मान जाए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है और मुझे ब्रेकअप कर लेना है। और आगे कहता है कि हम दोनों ने साथ में अच्छा वक्त बिताया है, बस ऐसे ही रहने दें। तब मिमी को भी समझ आ गया था कि ऑस्कर क्या कहना चाहता है, इसलिए वह रोते हुए वहां से चली जाती है। और मिमी के जाने के बाद अब ऑस्कर फ्री था और वह पार्टियों में जाना शुरू करता है और दोस्तों के साथ मस्ती करता है और लड़कियों से फ्लर्ट करता है। ऐसा ही चल रहा था। जब वह एक रात घर आता है तो वह उसे देखता है। वह मिमी उसका इंतजार कर रही थी और वह ऑस्कर के लिए रो रही थी और उसको बताती है कि आप जो भी महसूस करते हैं कर लो लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकती। और वह रोने लगती है और ऑस्कर के सामने गुहार लगाती है। वह ऑस्कर के पैर भी पड़ती है। वह उसे बताती है अगर वह उसे पीटना चाहता है तो पीट लो, अगर दूसरी लड़की के साथ सोना चाहता है तो वह सो सकता है, जो कुछ भी वह करना चाहता है वह कर सकते हैं, इससे उसे कोई दिक्कत नहीं है, बस उसे अपने से दूर न कर दे। तभी ऑस्कर की लगता है कि मिमी उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए वह उसे प्रताड़ित करने लगता है। जब दोनों इंटीमेट होते हैं तो वह किसी और लड़की का नाम लेता है। मिमी घर का सारा काम करती है और वह एक नौकरानी की तरह रहने लगती है और उनके लिए वह उनका कमरे को साफ करती है, उनकी पसंदीदा खाना बनाती है। लेकिन ऑस्कर कभी भी मिमी के साथ ठीक से नहीं चलता और उसका अपमान करता रहता है। वह उसे अपने साथ पार्टी में ले जाता है और वहां जाकर दूसरी लड़कियों के सामने उसकी बेइज्जती करता है। तब मिमी को भी दुख होता है लेकिन फिर भी वह ऑस्कर को छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक दिन ऑस्कर डर जाता है जब मिमी उसे बताती है कि वह गर्भवती है। वह मिमी से कहता है कि मैं एक अच्छा लेखक नहीं बन सका, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छा बाप बन पाऊंगा? क्या तुम चाहते हैं कि वह बच्चा इस घर में आए? और वह मिमी को गर्भपात करवाने के लिए कन्विंस करने में सफल हो जाता है। जब मिमी का गर्भपात हो जाता है तब ऑस्कर उसके पास आता है लेकिन मिमी को अपने बच्चे का याद आ रहा होता है। फिर भी वह हंसते हुए उनसे बात करती है और उनको बताती भी है। तब ऑस्कर ने उनसे बताता है कि कोई बात नहीं है क्योंकि हम मायामी की ट्रिप में जा रहे हैं
और प्लेन में ऑस्कर ने मिमी से बताया है कि मैं अपना सामान रख के आऊंगा, लेकिन वह आगे जाकर पायलट के सामने ऐसा दिखावा करता है कि उसका पेट दर्द कर रहा है, इसलिए वह यात्रा नहीं कर सकता है, इसलिए पायलट ने उसे एयरपोर्ट पर छोड़ देते हैं और फ्लाइट टेक ऑफ हो जाता है और वह एयरपोर्ट से निकलते हुए प्लेन को देख रहा होता है। तो वह मिमी भी अब समझ गई कि ऑस्कर कभी उसका नहीं था, ऑस्कर ने उसे धोखे से मायमी भेज दिया है और ये बात उन्हें बहुत खटकती है। लेकिन ये सब सुनकर निगेल शॉक हो जाते हैं। वह कहते हैं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह सच नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप खुद के लिए खेद महसूस कर रहे होंगे। ये बोल के नाइजेल वहां से चला जाता है। जब वह बाहर आता है वह मिमी को देखता है, तब मिमी ने उसे बताती है कि मैं चाहता हूं कि आप पूरी कहानी सुने, और नाइजेल को किस करती है और आगे कहती है कि हम रात में अकेले मिलेंगे। तब नाइजेल फिर से ऑस्कर के पास जाता है और ऑस्कर अपनी अधूरी कहानी शुरू करता है और वह आगे कहते हैं कि बिना मिमी के साथ वह पूरी तरह से फ्री हो गया था और वह हर रोज पार्टियों में जाते थे और मस्ती करते थे और हर रात नई लड़की से इंटीमेट होते थे। एक दिन जब वह एक पार्टी से घर लौट रहे थे तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उनका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। जब वह अस्पताल में थे तो मिमी उनसे मिलने आती हैं और ऑस्कर उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई कैसे वापस आ सकता है। तब ऑस्कर उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो मिमी कहती है कि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। उसके बाद मैं एक होटल में वेटर का काम करने लगी, वहाँ का मैनेजर बहुत अच्छा था, जितना तुमने मुझे सताया उतना ही उसने मुझे प्यार किया। इसके बाद मिमी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अगले ही पल वह अपना मन बदल लेती है। वह ऑस्कर को नीचे गिरा देती है जिसकी वजह से उन्हें लकवा मार जाता है, लेकिन इससे भी बुरी बात यह है वह मिमी अब ऑस्कर की देखभाल करती दिख रही है, लेकिन वह देखभाल करने के नाम पर ही उसे प्रताड़ित कर रही है, जैसे उसे हर दिन एक जैसा खाना देना, उसे हर दिन एक ही जगह पर इंसुलिन देना और जो मन में आए वो करना जो ऑस्कर ने मिमी के साथ पहले कर रहे थे, वह अभी उसकी बदला ले रही है। उसने उसे टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी और एक दिन ऑस्कर के बर्थडे पर मिमी ने उन्हें एक पिस्टल गिफ्ट की ताकि ऑस्कर चाहे तो वह सुसाइड कर ले, और ऑस्कर को जलन महसूस कराने के लिए वह एक एक दिन एक एक लड़के को घर ले आती है और वह उसके साथ इंटीमेट करती है, और ऑस्कर को इस तरह टॉर्चर करने के लिए मिमी ने ऑस्कर से की शादी भी कर लेती है। और आगे ऑस्कर ने बताया है कि मुझे हमेशा ये डर रहता है कि मिमी किसी अच्छा आदमी को ढूंढ लेगी और मुझे छोड़कर चला जाएगी। अगर वह चली गई तो ऑस्कर का इस दुनिया में कोई नहीं है, और यही ऑस्कर चाहता है ताकि मिमी किसी के प्यार में न पड़े। अब नाइजेल ने ऑस्कर की पूरी कहानी सुन लिया था और उस रात में जहाज पर पार्टी होती है जिसमें नाइजेल मिमी से मिलता है और उसके साथ डांस करने लगता है। तब नाइजेल मिमी को किश करने की कोशिश करता है, लेकिन मिमी उसे रुकने के लिए कहती है क्योंकि नाइजेल की पत्नी उनको देख रही होती है। इसके बाद फियोना और मिमी भी डांस करने लगती हैं और दोनों कमरों में चले जाते हैं जहां दोनों इंटीमेट भी होते हैं, और ये देखकर नाइजेल को बहुत गुस्सा आता है और वह ऑस्कर का गला घोंटने लगता है। तब ऑस्कर ने अपनी बंदूक निकाल ली और मिमी पर दो बार शूट करता है और उसे मार डालता है, फिर खुद सुसाइड कर लेता है और वह कहानी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। और नाइजेल और फियोना को पता चलता है कि उनके बीच जो गलत हो रहा था वह अब ठीक हो गया है और फिल्म यही समाप्त होती है।